मतलब कितना दिन तक आप बिना सर्जरी किए अगर आप चल सकते हो, अगर आपका कंप्लीट ACL टूट गया है तो कितने दिनों तक आप बिना सर्जरी किए चल सकते हो? तो इसका ये आंसर है कि ACL टूट जाता है तो होता क्या है, पहले ये समझते हैं होता क्या है कि जैसे ही अगर आप उबड़ खाबड़ सड़क पे जाओगे, लैंडिंग करोगे, जंप करोगे, रनिंग करोगे, चेंज ऑफ डायरेक्शन करोगे, तो आपका घुटना आगे फिसलेगा। ये सिंगल एपिसोड जो मेजर एपिसोड होते हैं वो आपके घुटने को तुरंत डैमेज करते हैं। एक ही एपिसोड ऐसा हो सकता है जिसमें आपका पूरा मेनिस्कस कट जाए, एक सिंगल एपिसोड। किसी दिन आपने ध्यान नहीं है, फटाफट चल रहे हो, एकदम से कुत्ता भौंक गया, आपने एकदम से झटका मारा, फटाक से गया, मेनिस्कस फट गया। आपका ध्यान नहीं पड़ा, पाँव पे पड़ गया, खड्डे में पाँव पड़ गया, झटका मारा, मेनिस्कस फट गया, झटका मारा, कार्टिलेज उखड़ गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं है ना। सो ACL सर्जरी अगर आप नहीं कराओगे कुछ दिनों तक, तो एक तो आप हाई एंड एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपका वेट बढ़ता रहेगा। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि आप अभी क्लिनिक से बाहर निकले और बाहर खड्डे में गिर गए और आपका मेनिस्कस फट गया। सो ये हम आप जब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और वो इंसिडेंट आपको परमानेंट लॉस दे देगा। सो ACL टूट गया, सर्जरी करा लो अगर अभी इमरजेंसी नहीं है घर के अंदर, कितने दिन वेट कर सकते हो? तो नहीं वेट कर सकते। वेट का क्वेश्चन इसलिए बिकॉज ऑफ द अदर, देयर इज एन इमरजेंसी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट। मैं वही कह रहा हूँ, तो हमें नहीं मालूम कि आपको नेक्स्ट चोट कब लगेगी। नहीं, मेरा मतलब है कि सिंस आई हैव एन इमरजेंसी बैक होम, आई कैन नॉट डू इट नाउ। सो यू कैन नॉट डू इट नाउ? नहीं, आई कैन नॉट से, मैं बता नहीं सकता ना, क्योंकि देखो अगर आपको कोई चोट नहीं लगे तो 5-6 साल में आपका घुटना घिसेगा धीरे धीरे करके। चोट लग गई तो उसी दिन टूटेगा। चोट कब लग सकती है? चोट तो इम्पॉसिबल। चोट मतलब आपको चोट लगने की जरूरत नहीं, आपका पांव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डिसबैलेंस होने की जरूरत है। कहीं भी आपका पैर अगर टेढ़े मेढ़े सरफेस से पड़ा, चाहे वो खड्डा है या ट्रैकिंग है या डांसिंग है या एकदम से आपने चेंज ऑफ डायरेक्शन, उसी क्षण चोट लग जाएगी। सो आप धीरे धीरे चलो। अगर आपको अपनी ACL सर्जरी डिले करनी है, आज नहीं करानी, हमारे पास इमरजेंसी, 1 महीने बाद करानी है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं उस पर बात कर सकते हैं। सो आपको एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज आपको कार्डियो नहीं करना, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है जिसमें आप अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ACL टूटने से आपकी मसल्स वीक हो रही है, तो वो वीक नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम आपको सिखाएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जब ACL इंजरी हो जाए। दूसरा, हाई एंड रनिंग वनिंग ये सब थोड़ा ढंग से, जल्दी वगैरह नहीं करनी, धीरे धीरे अपने काम कीजिए, रेगुलर एक्टिविटीज कीजिए, गेम मत खेलिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। तो हमें रनिंग नहीं करनी, गेम नहीं खेलना, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, सो हम लंबे समय तक अपने ACL को चला सकते हैं। उसके बाद जब भी आपकी एमरजेंसी चले तो हम सर्जरी करते हैं।